आज हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु बदलते वक्त के साथ स्वयं में बदलाव भी जरूरी हो जाता है। बहुत कुछ करने की चाह, बहुत कुछ पा लेने की चाह गलत नहीं, परंतु जरा सोचिए कि कहीं इसके चलते हम उन चीजों के मोल को तो नहीं भूल जाते जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अनमोल है। क्योंकि जितनी हमारे जीवन में, हमारे मन में संतुष्टता है, उतनी ही खुशी है, और फिर जितनी खुशी है उतना ही हम मन से हल्के हो, लाइट रह पाते हैं, और फिर तब ही हम अपने सारे हिसाब किताब, चाहे वो तन के हों, मतलब अपने शरीर से संबंधित कोई कष्ट हो, संबंध संपर्क के हों, चाहे धन के हों, या फिर किसी तरह की कोई बात ही क्यों ना हो, परंतु संतुष्ट आत्मा को पता है कि ये थोड़े समय की बात है, इसीलिए वो बिल्कुल हल्का रहे, अपने सारे हिसाब किताब बहुत जल्दी ही खत्म कर पाता है। क्योंकि जो जितना हल्का रहेगा उतनी जल्दी ही अपने सभी कार्मिक अकाउंट्स सेटल कर पाता है। इसीलिए संतुष्टता का हमारे जीवन में महत्व को समझना बहुत जरूरी है। संतुष्टता मतलब ये नहीं कि हम आगे के लिए कुछ चाहना ना रखें, कुछ नया ना करें और जो है उसी से ही संतुष्ट हो जाएं। नहीं, ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता तो जीवन जीने की कला है। जो कुछ हमारे पास है किसी भी रूप में, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर उस चीज को, अपने रिश्तों के मोल को जान, उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना, ये संतुष्ट आत्मा की निशानी है। क्योंकि संतुष्टता ही सबसे बड़ा गुण है। जो नॉलेजफुल है वो संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अपने तीनों कालों को जानता है। जहां हमारे जीवन में संतुष्टता है, वहां हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ही पेशेंस पावर आ जाती है, जिसके साथ ही फिर अंतर्मुखता, शीतलता, निर्भयता, चेयरफुलनेस, स्वीटनेस, सारे गुण, सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। क्योंकि जब हम संतुष्ट हैं तो हम मन से स्टेबल हैं, जिससे कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाती है। जो संतुष्ट है वो प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। मतलब एक कंटेंटेड, सेटिस्फाइड आत्मा स्वयं के भीतर प्रेम से भरपूर है, सही गलत की समझ से परिपूर्ण है, सदा उमंग उत्साह में है, जिससे ऑटोमेटिकली वो सुखी है और सभी शक्तियों से भी संपन्न है। जिस आत्मा के पास संतुष्टता का गुण है, वो अचल, अडोल, हल्की और परमात्मा के समीप है। संतुष्ट आत्मा अपने सारे हिसाब किताब बहुत ही सहज खत्म कर देती है, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जिससे हमारे में एक्सेप्टेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर चीज को एक्सेप्ट करने की हम में पावर आ जाती है, और फिर हम में कोई क्वेश्चन, कोई कंप्लेंट नहीं रहती। हमेशा जैसे हर बात के लिए फुल स्टॉप लगा ही रहता है। क्योंकि हमारे लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो बातें नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति है। और फिर जब हमारे अंदर कोई कंप्लेंट नहीं रहती तो हम अपना हर रोल परफेक्टली निभा पाते हैं और एक भरपूर कंप्लीट आत्मा बन पाते हैं। संतुष्ट आत्मा को अपने आप से कोई भी कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि कंप्लेंट उसे होती है जो एफर्ट नहीं करता। ये संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो हर तरह से हमें भरपूर कर देता है, सदा के लिए खुश कर देता है। और जब हम खुश हैं, मन से लाइट हैं, तब हम परमात्मा के साथ को भी बड़ी ही इजीली अनुभव कर पाते हैं। तो आइए
संतुष्टता को जीवन में यूज करना सीखें। बने रहें हमारे साथ आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। क्लिक हियर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोज़।